السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل الخدر علماء اکرام مشائخین عزام خطباء اکرام دانشوران قوم و ملت محبان اہل سنت غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج حضور سیدنا شہاب الدین
साहब खिबला अलैहि रहमतु व रिजवान के उर्स मुबारका की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में हम सब को हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ हा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस प्यारे महबूब के उर्स में उनके दयार अक़दस में उनके दरबार में हाजिर होने का मौका और शर्फ अता फरमाया। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़िमीन जलसा का और बिलखुसूस हाफिज़ अबरार साहब का और दीवाना साउंड के इमरान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। ये बेचारे मुझ नाचीज़ के घर पहुँचे और दो दिन मेरे घर में रहे और फिर ये दावत का इन लोगों ने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया तो अब बेचारे हैदराबाद पहुँच के दावत दे तो इनकार कैसा कर सकता, तो इसलिए मैंने इनकी दावत को कबूल किया। और हकीकत तो ये है कि इनकी मोहब्बत भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। दूसरी बात तो यह है, सबसे पहली और अज़मत वाली फजीलत वाली बात यह है कि एक अल्लाह के वली की बारगाह में उर्स में हाजिर होने का मौका मिल रहा है तो ये दावत पर नहीं बल्कि सर के बल पर यहाँ पर आने की ज़रूरत है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, एक बात आप नौजवानों जो सुनना चाहते हैं पहले वो सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आयत मुबारिका जो मैंने तिलावत की उस पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करता हूँ। मुझे मालूम है आप क्या सुनना चाहते हैं, इंशाल्लाह वही सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को मर्दूद करना चाहता है, जहन्नमी बनाना चाहता है, मलऊन करना चाहता है, अपने दरबार से धुतकार देना चाहता है, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला उसको मस्जिद को आने से नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मर्दूद व मलऊन करना चाहता है तो उसको कुरान की तिलावत से भी नहीं रोकता, उसको नमाज पढ़ने से भी अल्लाह नहीं रोकता, वजू करने से भी नहीं रोकता, माँ बाप की खिदमत करने से भी नहीं रोकता, दीन का काम करने से भी नहीं रोकता, काबे का तवाफ करने से भी नहीं रोकता। उन्हें हज को जाना चाह रहा तो अल्लाह ताला उसको लग्जरी स्टाइल में हज करवाता। फिर आप पूछें, हजरत फिर अल्लाह जब किसी को मर्दूद करना चाहता है, मलून करना चाहता है, फिर उससे नमाज की नेमत भी नहीं ले रहा है, कुरान की नेमत भी नहीं ले रहा है, तिलावत कुरान भी उसको करने दे रहा है, हज भी करने दे रहा, फिर करता क्या है? सुन लो अच्छी तरीके से, अल्लाह जब किसी को मर्दूदो मलऊन करना चाहता है तो अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट से दूर कर देता है, न्याने नहीं देता उसको। हुजूर क्या फरमाए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, बोले कौन बोले? अरे इतना घूर के नको देखो, मैं तकरीर भूल जाता हूँ। ऐसा घूर के देख रहे तुम लोग आप फेसबुक पे इनोच थे क्या बोल के? हजरत आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए, वो प्यारे प्यारे नहीं दिखेंगे यार। देखो हुजूर क्या फरमाए, मेरी उम्मत में 73 फिरके हैं, बोले कितने कौन बोले? अब मैं बोला बोले तो आप बोलेंगे नक्शबंदी साहब गलत बोलते, बोल सकते, ये तो रसूल अल्लाह का कौल है, ये कोई आजू बाजू वाला भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता। उन्हें भी यही हदीस पढ़ के आगे गुजरता, उसको भी मालूम है 73 फिरके होंगे, बोल के 73 में हुजूर क्या करे, 5 जन्नती ये नहीं बोले, 2 जन्नती ये नहीं बोले, मेरे आखा की रहमत के सदके जाओ 1 ही जन्नती ये बोले और बाकी के 72 पूरे जहन्नमी है बोले। सिर्फ 1 जन्नती है, 72 जहन्नमी है। अब आप गौर करके देखो, यहां पे 72 में कोई भी नहीं आता, 1 ही छाता, या गौस का नारा 1 ही लगाता, या गरीब नवाज 1 ही जमात वाला पुकारता, वो कोई और नहीं, अहले सुन्नत वल जमात वाला पुकारता।
क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को मर्दूद करना चाहता है उसको महबूबों की चौखट पे आने का मौका नहीं देता। अब अगर किसी को तुम जन्नती जानना चाहते हो तो उसे काबे में मत ढूंढो, क्योंकि काबे में पूरे 73 नजर आएंगे। किसी को जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद में मत ढूंढो, क्योंकि मस्जिद में तो पूरे 73 नजर आएंगे। तिलावत कुरान करते पूरे 73 नजर आएंगे, माँ बाप की खिदमत करते पूरे 73 नजर आएंगे, अरे काबे का तवाफ करते पूरे 73 नजर आएंगे, गरीबों की खिदमत करते पूरे 73 नजर आएंगे। मगर अब अगर 73 में से उस एक को ढूंढना है जो मेरे मुस्तफा ने बशारत दी है तो उसे कहीं और नहीं, उसे गौसे पाक के दरबार में देख लो, उसे गरीब नवाज के दरबार में देख लो, उसे हजरत शहाबुद्दीन की चौखट पे बैठा हुआ। अरे आधे आधे नारे लगा रहे क्या भाई आप लोग? हेलो ये माइक बन गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मसले को समझो दोस्तों, अल्लाह जब किसी को मर्दूद करना चाहता है मस्जिद से दूर नहीं, महबूब से दूर कर देता है। और अल्लाह जब किसी को महबूब बनाना चाहता है तो उसको अपने महबूबों की चौखट पे बैठना नसीब कर देता है। ये इतने क्लिप निकालता है ना, निकाल के नहीं धूम मचाता बाजू वाला।